मेरा नाम नादिया शफी है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं बेसिकली छताबल एरिया है श्रीनगर में जो डाउनटाउन के साइड से आता है मैं वहाँ की हूँ। 2014 में वीडियो वॉलंटियर्स आया जब फ्लड था 14 सितंबर, तो पहली रिपोर्ट जो मैंने वीडियो वॉलंटियर्स के लिए किया वो मैंने ट्रांसजेंडर पे किया। मैं एक कश्मीरी फीमेल हूँ और हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देखी है, ठीक है, क्योंकि मैं एक आउटसाइडर तो नहीं हूँ। कुछ चीज़ें हम लोगों को खुद ही इंस्पायर करता है, जैसे जो यहाँ की कंडीशन है, जो हम लोग एज अ फीमेल जो हम लोग सफ़र करते हैं यहाँ पे, वो हमको पता है। हम लोग सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं। मैं नहीं बोलती कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है, पर कॉन्फ्लिक्ट एक साइड अगर रखे, यहाँ से बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिनको हम देख नहीं रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो एजुकेशन का हम सफ़र कर रहे हैं, चाहे हम हेल्थ का सफ़र कर रहे हैं, चाहे हमारे रोड्स प्रॉब्लम्स है, ड्रेनेज प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पर हम लोग उनको देख नहीं पा रहे हैं। के हालात की वजह से थोड़ा मतलब डर रहता था कि मतलब ये निकलती है पता नहीं, मैं इसको बोलता था कि सुबह निकलो आराम से मगर शाम को जल्दी घर आया करो। बाकी मैंने ये नहीं सोचा कि ये लड़की है, मैंने सोचा ये लड़का है, चलो ये जैसे लड़के काम करते हैं ये भी काम करेगी। देयर इज अ कंप्लीट फोकस ऑफ पीपल ऑन सर्टेन इशूज ऑनली, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अनसुना और अनदेखा कर देते हैं, तो उनमें से एक इशू वो भी है जो जेंडर का इशू है, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है। बट नादिया टुक द लीड और फिर उन्होंने जो वीडियो वॉलंटियर्स के साथ काम किया है जुड़ के, वो भी एक इनक्रेडिबल काम मैं कहूँगा, क्योंकि उससे मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिला कि जो वो कर रही है और लोगों से मिल रहे और उनके इश्यूज़ के बारे में बात कर रही है और एक डिबेट हो रहा है थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर एरिया। डिस्कशन क्लब में हम लोग हर दिन एक एक नया नया टॉपिक फीमेल्स के रिलेटेड हम लोग डिस्कस करते थे, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट हो या हमारे मेंस्ट्रुएशंस का हो, जो कश्मीर में बेसिकली हम लोग बात नहीं करते हैं उन टॉपिक्स पे। बट मुझे लगता है डिस्कशन क्लब्स जो हमने स्टार्ट किया, हम लोग मतलब फ्रीली बोलने लगे, तो मुझे हमेशा फ़ीमेल बोलती थी कि हम लोग ये बात नहीं बोल पाते हैं, या चाहे अपने पेरेंट्स को या अपने भाई बहन को, तो हमेशा अगर हम ये बात बोलते भी है तो बोलते चलो छोड़ो कल से पढ़ाई बंद है आपकी। तो हमने बोला कि इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि मतलब हम लोग हैरास नहीं कर रहे हैं, वो मेल कर रहे हैं, पर हमें बोलते हैं कि आप स्कूल नहीं जाओ, आप कॉलेज नहीं जाओ, आप घर से बाहर नहीं निकालो, जो मुझे लगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें हमारी जो यंग जनरेशन को पता चलनी चाहिए कि यार हम लोग इसके ज़िम्मेदार नहीं है, जो ज़िम्मेदार है वो तो ऐश करके घूम रहे हैं कश्मीर में। कश्मीरी वुमेन का इस वक्त नीड है वो यही है कि वो बोलें, और अगर नादिया के थ्रू वो बोलें तो काफ़ी सही रहेगा। नादिया एक माध्यम है, एक मीडियम है जिसके थ्रू औरतों को वॉइस मिल सकती है, और ऐसा ज़रूरी है कि औरत ही औरत की वॉइस बने ताकि उसमें कुछ मिलावट ना हो मर्दों की सोच का, वो बहुत ज़रूरी है। और नादिया उसमें अच्छा रोल निभा सकती है, जिस तरह का उसका कैरेक्टर है, जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है।